सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अंकुर द्विवेदी एंड आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ होंडा एक्टिवा। इसको हमने परचेस किया है लगभग एक महीने पहले एंड एक महीने के यूज़ के बाद इसके क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स है एज एन ओनरशिप एक्सपीरियंस मैं आपको सबको ये चीज़ें बता दूंगा। एंड ये 6G है, मतलब इसमें कुछ चेंजेस किए हैं होंडा ने, लाइक 12 इंचेस के ट्यूबलेस टायर्स डाल दिए हैं विद टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है इसमें। एंड पीछे आपको 12 इंच का टायर्स नहीं मिलेगा, पीछे 10 इंच का टायर ही है। एंड जो प्राइमरी चेंज था वो ये था कि 12 इंच के टायर्स आगे डल गए हैं एंड LED हेडलाइट्स जो है इसमें। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि ये डायरेक्ट करंट में है। जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये DC सप्लाई है, तो आपकी लाइट कंटिन्यू ग्लो होती रहेगी, उसमें ऑन ऑफ करने वाला कोई फंक्शन है नहीं। वैसे भी AHO इंडिया में स्टैंडर्ड हो चुका है। एंड ओवरऑल डिज़ाइन में माइनर ट्विक्स किए हैं होंडा ने, लाइक यहाँ पे कुछ स्ट्राइप्स डाल दिए हैं एंड क्रोम का वर्क है यहाँ पे, जो कि 5G में नहीं आता था। एंड ओवरऑल जो डायनेमिक्स है गाड़ी की काफ़ी अच्छी है एंड होंडा एक्टिवा काफ़ी रिलायबल ब्रांड है इंडिया में, दैट्स वाई इसकी सेल्स इन स्कूटी सेगमेंट सबसे ज़्यादा रहती है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द फीचर्स की गाड़ी में आपको बेसिक फीचर्स क्या मिलते हैं, तो इसमें आते हैं टोटल दो मॉडल्स आते हैं। एक आपको हेलोजन लाइट्स का मिलता है एंड दूसरा ये जो है ये LED हेडलैम्प्स का है। एंड आज के टाइम पे मॉडर्न डे में आप LED हेडलैम्प वाली गाड़ी लेना प्रेफर करोगे। तो इसकी फीचर्स की मैं बात करूँ तो फ्रंट में आपको 12 इंच का ट्यूबलेस टायर्स मिल जाता है जो कि टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ है। जो प्रॉब्लम थी पुरानी एक्टिवा में वो ये था कि इसमें उसमें टू एंड फ्रो मोशन वाला सस्पेंशन मिलता था जो कि काफ़ी जर्क देता था। एंड जब आप ब्रेक लगाते थे तब गाड़ी आपको ऐसा फील होता था, आप जो चलाए होंगे आपको पता होगा कि गाड़ी आगे की तरफ उड़ जाती थी। वो पुराना एक डिफेक्ट था एक्टिवा में, तो उसको कंपनी ने रिजॉल्व कर दिया। एंड इंजन के डिपार्टमेंट में एक काफ़ी बड़ा अपडेट किया है कंपनी ने, जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। एंड वो है इसका साइलेंट स्टार्ट। ये सो राइट नाउ गाड़ी ऑन है एंड स्टार्टर मोटर की जो साउंड होती है, जो आप लोगों ने पुरानी एक्टिवाज में सुना होगा या किसी भी स्कूटी या बाइक में सुनते हो, वो चीज़ आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। वो चीज़ कंपनी ने चेंज कर दी है, तो गाड़ी साइलेंटली स्टार्ट हो जाती है एंड डायरेक्टली आपको इंजन की साउंड मिलती है। एंड कमिंग अबाउट द हेडलाइट्स, तो इधर आपको LED एंड दो हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। ये है ग्रे कलर जो कि हमने मैट फिनिश में लिया है, काफ़ी अच्छा लगता है आज के मॉडर्न टाइम में। तो अगर मैं अभी सीटिंग की बात करूँ तो सीटिंग कैपेसिटी दो लोगों की है, वो बात अलग है, आदमी 3-4 लोग बैठ जाते हैं, बट दो लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है एंड वही मैंडेटरी भी है इंडिया में। ये अगर हम स्पीडो कंसोल पे आ जाएं तो ये आपको चेक इंजन लाइट आपको यहाँ पे मिल जाती है। जैसे अगर इंजन में कोई भी फॉल्ट होगा तो ये लाइट ग्लो करेगी एंड ECU चेक करता है जब आप एक बार इग्निशन को ऑन करते हैं तो। एंड टॉप स्पीड आपको 110 तक की दी गई है, बट अराउंड 80-85 जाती है एक्टिवा, जो कि काफ़ी अच्छा है इस सेगमेंट की गाड़ी के लिए, क्योंकि आपको इसको डेली पर्पज़ यूज़ में करना है। इससे आपको कोई स्पोर्ट्स बाइक तो है नहीं जो रेसिंग वेसिंग लगानी है। तो ये था कुछ इसका स्पीडो कंसोल। यहाँ पे आपको डिजिटल कुछ भी नहीं मिलेगा, प्रॉपर एनालॉग है। डिजिटल बीच में होंडा ने लाया था बट वो उतना सक्सेसफुल नहीं था। एंड इधर आपको इंडिकेटर्स के स्विच मिल जाते हैं, हैजार्ड स्विच जैसा इसमें होंडा ने नहीं दिया है। एंड इधर पास स्विच ज़रूर मिल जाएगा, पास स्विच मिलता है एंड इंडिकेटर्स विद हॉर्न आपको इस टाइप का मिल जाएगा। तो ये कुछ बेसिक सा पैनल है, इंस्ट्रूमेंट पैनल। एंड गाड़ी आप देख पा रहे हो 1500 किलोमीटर चल चुकी है, तो इस 1500 किलोमीटर में जो भी हमने ऑब्जर्व किया वो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। नाउ अगर मैं इग्निशन की बात करूँ, इग्निशन का पैनल आपको ऐसा मिलेगा, यहाँ आपने स्विच ऑन कर दिया, की ऑन कर दी। एंड अगर आपको सीट या फ्यूल गेज को ओपन करना है, फ्यूल गेज को मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। फ्यूल गेज इसमें एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग कैप मिल जाता है इस बार, तो अभी आपको सीट से उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तो फ्यूल कैप मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ। पहले आपको इसको बीच में आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, ऑफ, फ्यूल एंड सीट, एंड एक ऑन का है। तो फ्यूल सीट में ला के आपको सीट को प्रेस करना है, तो ये सीट जो है ओपन हो जाएगी। तो ये बूट कैपेसिटी है एंड यहाँ पे आपको फ्यूल लिड का मिलता था पहले, बट अब वो शिफ्ट कर दिया पीछे।
तो प्रैक्टिकलिटी के मामले में काफ़ी अच्छी स्पेस है इसमें, एंड जो हम्प रहता है वो ज़्यादा नहीं है। तो फुल साइज़ हेलमेट जो मीडियम साइज़ का आता है वो आराम से इसमें फिट हो जाएगा। एंड कितने लीटर्स का बूट है वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। एंड ये थी कुछ बूट स्पेस की बात। एंड अगर आप इसको आप फ्यूल लिड ओपन करेंगे तो इसको आपको फ्यूल को प्रेस करना है, तो ये इसका फ्यूल लिड ओपन हो जाएगा यहाँ पे। एंड एक चीज़ इसमें हमको जो फॉल्ट लग रहा है वो हमको कंपनी में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो फ्यूल कैप है वो जल्दी क्लोज होती नहीं है, तो उस चीज़ को हम कंपनी में चेक करवा देंगे कि वो क्या इशू है। बट वो एक पर्टिकुलर यूनिट में डिफेक्ट हो सकता है, उसकी कोई बड़ी बात नहीं, वो कंपनी रिजॉल्व कर देगी, आई होप सो। तो ये था कुछ ओवरऑल डिज़ाइनिंग एंड जो फीचर्स में चेंज किया होंडा ने। तो अब इसकी प्रोज एंड कॉन्स की मैं अगर बात करूँ तो प्रोज में इसका फर्स्ट प्रो है इसकी प्रैक्टिकलिटी और ड्राइविंग डायनामिक्स जो इस गाड़ी की हैं, जो ये सिटी में आपको प्रोवाइड करती है, वो इसकी सेगमेंट में किसी और गाड़ी में आपको नहीं मिलेगी। इफ़ आई टॉक अबाउट जुपिटर की भी राइड हैंडलिंग इतनी अच्छी नहीं है जितनी एक्टिवा की है। एंड अभी जो इसमें चेंजेस कर दिया, 12 इंच का टायर डाल दिया, तो आपको स्लिप होने की जो चांसेस थे वो भी काफ़ी कम हो गए हैं, तो ये एक इसके फेवर में जाएगा ये बात। एंड सेकेंड चीज़ की मैं अगर बात करूँ तो फ्यूल इकोनॉमी अभी एट प्रेजेंट हमको ये अराउंड 40 किलोमीटर पर लीटर दे रही है, जो कि आई होप सो कि फर्स्ट एंड सेकेंड सर्विस के बाद बिल्कुल इंक्रीज़ हो जाएगी। एंड फ्यूल इकोनॉमी आपके ड्राइविंग हैबिट्स के ऊपर भी डिपेंड करती है, ये आप सबको पता है। तो ये थे कुछ इसके प्रोज। एंड अगर मैं इसकी कॉन्स की बात करूँ तो कुछ लेडीज़ के लिए जो अभी फर्स्ट टाइम बायर होती हैं, उनको कभी कभी ये गाड़ी थोड़ी हैवी लगती है, बट इट्स नॉट दैट मच हैवी, क्योंकि गाड़ी दिखने में आपको चौड़ी दिखेगी बट लाइट वेट है काफ़ी अपने सेगमेंट के हिसाब से। मेरे पास एक पुरानी महिंद्रा गस्ट्रो थी जिसका वेट काफ़ी ज़्यादा था, वो अराउंड 120 केजीज़ की थी, तो उससे कंपेयर अगर मैं इसको करूँ तो ये काफ़ी लाइट वेट है। एंड मैन्यूवरेबिलिटी इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी है, तो उस डिपार्टमेंट में इसको एक थम्सअप मिल जाता है। तो दिस इज़ वाई होंडा एक्टिवा इतनी ज़्यादा बिकती है, अपने सेगमेंट में सारी गाड़ियों को लीड करती है एक्टिवा। तो ये था कुछ इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस, जो कि अभी फ़िलहाल एक महीने गाड़ी को हुए हैं, तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है गाड़ी की तरफ से, कोई भी निगेटिव चीज़ अभी बताने के लिए नहीं है। एंड फ्यूचर में कुछ भी अगर अच्छा या बुरा इस गाड़ी के साथ होगा तो मैं आपको बिल्कुल इन्फॉर्म करूँगा। सो टिल नाउ इट्स गोइंग ग्रेट, आई विल इन्फॉर्म यू। एंड आपको चैनल एक बार विजिट जरूर करिएगा, हमारी जो होंडा एक्सपर्ट है उसका भी वीडियो चैनल पे पोस्टेड है, उसका लिंक आपको ऊपर आ रहा होगा यहाँ पे। एंड आई होप सो यू लाइक द वीडियो, वीडियो को एंड तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड वीडियो पसंद आया हो तो लोगों को शेयर जरूर करें, क्योंकि कई लोग आपके जैसे होंगे जिनको एक्टिवा के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए होगी, या सीजी के बारे में इस कलर को देख रहे होंगे कि जो हमारा ग्रे कलर है। तो ये था कुछ होंडा एक्टिवा का वीडियो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।